हेलो जी, नमस्ते। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे और मज़े में होगे। तो जी, आज दिन है, सैटरडे मॉर्निंग का ये वीडियो है और कल वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो जी, ये वीडियो बना हुआ रखा था और घर के काम में इतनी व्यस्त थी, मतलब पूरा दिन ऐसे निकला पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई घर के काम करते करते। तो अभी जो है, मैं ये जो वीडियो बना रही थी यहाँ पे कर रही हूँ मैं मम्मी जी वाले रूम की क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों का जो है कि स्कूल दोनों चले गए थे, उसके बाद मेरा जो काम है घर संभालने का, मैं फिर लग गई यहाँ की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो अभी सुबह के बज रहे थे 11:15 बज रहे थे, 11:15 बजे से ये वीडियो स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि किचन के जो इतने सारे काम थे ना, किचन का काम पूरा ख़त्म करने के बाद ही मैं इधर आई हूँ इस वाले एरिया पे। यहाँ पे पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद फिर वही था कि आप बाहर के जो छज्जे की और बालकनी की सफाई होती है, वो एक भी दिन जो है वो स्किप नहीं हो सकती। क्योंकि भाई देखो, अब ये जो मौसम चल रहा है ना, ना तो सर्दी है ना गर्मी है, और हवा चलने लग रही है, धूल मिट्टी चारों तरफ गंदी गंद, तो इसलिए अब ये रोज़ क्लीन करे बिना रहा छोड़ा नहीं जा सकता। तो जी, अब ये एक कमेंट था कि आप रोज़ ही पूरे घर की सफाई कैसे कर लेते हो। कोई मेरे से तो जैसे पूरा एक किसी सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि मेरे से तो रोज़ की झाड़ू पोछा नहीं होता सर्दियों में। तो जी भाई देखो, पूरा सर्दी हो गर्मी हो, मेरा रूटीन वही रहता है। हाँ, सर्दियों में ये हो गया था कि जैसे पानी में हाथ डालने में थोड़ा सा आलस आता था, मगर ये था मैंने करा पूरा प्रॉपर काम करा, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे घर की सफाई नहीं हुई, बाथरूम से लेके बाहर के गेट तक की, चाहे रोज़ाना की सीढ़ियां हैं या बालकनी है। चलो बालकनी तो मैंने एक आधा दिन स्किप कर भी दी थी कि चलो एक दिन छोड़ देते हैं या दूसरे दिन कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी में पानी में हाथ देने में जाड़ा लग रहा था, मगर गर्मी में तो रोज़ाना की ही जो होता है कि सारी जगह की सफाई करनी एक नेसेसरी है, कि भाई नहीं, बिना सफाई करे हम नहीं रह सकते। और गर्मी में तो वैसे भी क्या एक एनर्जी लेवल होता है बॉडी में, कि काम करने में मज़ा भी आता है कि जल्दी जल्दी ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, और सर्दी में उतना ही ठंड की वजह से भाई के लेटे रहो मत करो, कुछ काम करने का मन नहीं करता। देखो, काम करने का मन तो किसी का भी नहीं करता, चाहे कोई भी हो, मगर क्या होता है जब आपका घर फैला हुआ है, वो आपको जब दिखता है कि भाई कितना गंदा हो रहा है और हर जगह आपको एक स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, 2 दिन सफाई ना करो, 3 दिन सफाई ना करो, मगर जब सफाई कर लेते हैं उसके बाद जो खुशबू और हर जगह एकदम साफ़ सुथरा अच्छा माहौल होता है, वो किसको पसंद नहीं है। बच्चे से लेके हस्बैंड से लेके कोई भी हो, सबको ये रहता है कि घर साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। जब हम घर में आए तो अच्छे से बेड बना हुआ हो, अच्छे से बाथरूम साफ़ हो, हॉल बिल्कुल क्लीन हो। अभी आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग में जो बच्चों वाला रूम है वो कितना मैसी हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ की मैंने बेडशीट ले ली थी धोने के लिए, और बच्चों के बैग वैग सब कुछ ऐसा का ऐसा ही फैला पड़ा है, क्योंकि बच्चे कोई भी सामान जो है अपना कहीं ढंग से रखते नहीं हैं, और सारी चीज़ें बस माँ को ही देखनी है, हर चीज़ माँ को ही उठा के रखनी है, करनी है, क्योंकि एक औरत को ही पता होता है उसके घर के सामान कहाँ रखने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है। बच्चे तो अपना स्कूल गए, ट्यूशन गए, कपड़े निकाले हैं तो वहीं बेड पे फेंक के छोड़ के चले गए, या बुक्स निकाले हैं तो आधी से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वही बेड पे छोड़कर चले गए। ये चीज़ों को जो उठाने रखने का काम है वो सिर्फ एक गृहिणी का ही है। तो अभी जो है फिलहाल सारे घर की मैंने जो तीनों रूम हैं वो सब क्लीन कर दिए हैं, बच्चों वाले रूम में आई हूँ, यहाँ ये सर्दी वाली बेडशीट। अब जैसे कि मौसम चेंज हो गया है तो बस ये लास्ट टाइम है, अब की बार मैं सर्दी वाली बेडशीट नहीं बिछाऊंगी, कॉटन की बिछाऊंगी, और ये सारी बेडशीटों को उठाकर रख दूंगी, क्योंकि अब गर्मी में जो ये गर्मी आ गई है तो सर्दियों के कपड़े जितने भी फैले हुए हैं ना, इन सबको समेट कर रखना बहुत बड़ा टास्क है भाई, बहुत बड़ा। इतने सारे मतलब चारों तरफ जो हैं बच्चों के, अपने हस्बैंड के, और ओढ़ने वाले कपड़े, बिछाने वाले कपड़े, इतने सारे कपड़े ही कपड़े चारों तरफ फैले हुए हैं, तो इन सब कपड़ों को मैं सोच रही हूँ अब धीरे धीरे करके सबसे पहले जो ओढ़ने वाले हैं ना उन्हीं कपड़ों को रखूंगी जो एक्स्ट्रा में निकले हुए हैं, क्योंकि बेडशीट अब मैं नहीं बिछाऊंगी सर्दी वाली, मौसम में इतना चेंज आ गया, क्योंकि
नाइट में ना बच्चे पंखा चलाकर सोने लग रहे हैं, अब ऐसे हो रहा है हमारे यहाँ तो कई दिन से, जब से जैसे कि मौसम में बदलाव आया है। और जो ये मौसम बदलता है तो हर चीज़ में, इंसान के खाने पीने में, पहनने में, ओढ़ने में और रहन सहन में, इन सब चीज़ों में बदलाव आता है। यही नहीं कि मौसम बदल गया, सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, गर्मी आते ही बहुत सारी चीज़ें, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें बदलाव आएगा। आपके सर्दी है तो बिल्कुल सबको गरम गरम चाहिए, गर्मी में तो फिर भी ये आप बना कर रख दोगे तो बच्चे रोटियां खा लेंगे, मगर सर्दी में क्या है कि मतलब तवे से उतरती उतरती भी रोटियां जो हैं हमारी ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो बस अभी यही चीज़ों को मैं सोच रही थी, क्योंकि जब आपको घर के कोई काम करने हैं ना, चाहे सर्दी के लिए कपड़े निकालने हैं या गर्मी के लिए कपड़े निकालने हैं, तो पहले अपना माइंड बनाना होता है, एक माइंड को सेट करना होता है, आपको क्या काम सबसे पहले कंप्लीट करना है या कहाँ से क्या कपड़े कहाँ रखने हैं, कैसे कैसे सब चीज़ों को उठा कर रखना है। तो मैं अभी थोड़ा सा ये इस चीज़ का वेट कर रही हूँ कि गर्मी जो है थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए ना, फिर बिल्कुल ही जो भी ये ना हो कि मैं आधे कपड़े रख दूँ और भाई फिर आधे निकले पड़े रहें, ये चीज़ नहीं चाहती मैं। मेरी कोशिश यही है कि सारे कपड़ों को ना सही से पैक करके पॉलीथीन में या बेडशीट के अंदर गांठ लगा के या किसी बैग के अंदर रख के ऐसे करके कपड़ों को रखूं। तो वो ये चीज़ें करने के लिए सबसे पहले यही है कि सबसे जो मौसम बिल्कुल चेंज हो जाए, फिर एक भी कपड़ा जो है बाहर निकलना ना रहे, क्योंकि एक आधा कपड़ा ही रह जाता है ना बाहर निकला हुआ, फिर वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, कहीं किसी अलमारी में रख जाएगा, कहीं किसी अलमारी में रख जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी तो फिलहाल मैं 2-4 दिन अभी और देखूंगी, क्योंकि मौसम में तो बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ चुका है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप निकल रही है, और यहाँ बज रहे थे 12:30 बजे का ये टाइम हो गया था। अब जो है हमारी बस ये अपना लॉन्ड्री एरिया क्लीन करना है, सारा पानी डाल के। और ये अच्छे अच्छे से आसान आसान से तरीके हैं कि आप अपने घर को कैसे वेल मैनेज कर सकते हो कितने कम टाइम में, क्योंकि सारे कामों को एक गृहिणी को देखना है, तो उसके लिए टाइम से सारी चीज़ें करें। जब भी आप काम कर रहे हैं तो कोशिश यही करें कि घर में सब या तो एक रूम में बैठ जाएं, वरना यह है कि आप सफाई करके हट रहे हो और बच्चे पैर बना रहे हैं, या कोई भी हस्बैंड है या कोई भी है वो आ जा रहा है, फिर हमारी जो सफाई है वो दिखने वाली नहीं है। क्योंकि सफाई एक ऐसी है जब आप कर रहे हो तो किसी कोई आए ना जाए ना तो ही दिखती है। आप कोई भी रूम क्लीन करके हट रहे हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, और जब भी अच्छा भी लगता है कि आप जैसे इतनी मेहनत कर रहे हो सुबह से उठ के, एक एक रूम की सफाई, चाहे घर के कोई से एरिया की क्लीनिंग है कहीं की भी है, और तभी जाकर जो है हमारा घर साफ सुथरा दिख सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को एक रूम में बिठा दिया था, मम्मी जी वाले रूम में बैठे हुए पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद मैंने पूरे घर की सफाई करी थी। तो अभी आप देख सकते हो हवा इतनी तेज चल रही थी कि ये जो मैंने ओढ़ने वाला कंबल धोया है ना, मेरे को ये लग रहा था कहीं ये नीचे गिर ना जाए। तो चलिए अभी फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।